में आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज चैनल पर। बात कर रहे हैं आज एक बार फिर धामपुर ट्रॉमा सेंटर की। जी हां, 100 बेड का अस्पताल जो कि धूल फांक रहा है, बंद पड़ा है। बिल्डिंग बनकर तैयार है लेकिन सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, उसकी जो उपयोगिता है धामपुर की जनता को नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर सर्च इंडिया ने पहले भी आवाज उठाई थी। आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी नए सदस्य बने हैं जिला पंचायत में, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और उस व्यक्ति ने बड़े बड़े नेताओं को धाराशायी किया है इस चुनाव में। जी हां, बात कर रहे हैं विवेक सेन की। धामपुर विधानसभा में जिला पंचायत का जो 47 नंबर वार्ड था वहां से विवेक सेन विजयी हुए हैं और बड़े बड़े धुरंधरों को पछाड़कर उन्होंने विजय प्राप्त की। और उन्होंने आज फिर इसी मुद्दे पर बात की उपजिलाधिकारी से, ज्ञापन दिया उपजिलाधिकारी को कि जो 100 बेड का ट्रॉमा हॉस्पिटल है वो काफी समय से बनकर तैयार है लेकिन बंद पड़ा है, कोई उपयोगिता उसकी नहीं हो पा रही है। साथ ही जो धामपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या आसपास के क्षेत्र के जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो मनमानी फीस ले रहे हैं और लोगों को सही इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस सारे क्रम में उन्होंने आज उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की उनसे अवगत कराया है और धामपुर नगर में जितने भी प्राइवेट बड़े अस्पताल हैं उनके लिए कड़े नियम बनाए जाएं, मरीजों को अपने अस्पतालों में भर्ती कर उनसे अवैध उगाही बंद करें, मरीजों को उचित सेवाएं मिले। इस सारे क्रम में उन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है, आइए आपको दिखाते हैं क्या उनका कहना है इस सारे मुद्दों पर। मामला यह है जैसे कि वर्तमान में कोरोना महामारी ने जो है पूरे देश को झंझोर रखा, उसी दौर में जहां हमें जो उपयुक्त संसाधनों की जरूरत है, धामपुर में 100 बेडों का हॉस्पिटल जो पिछली गवर्नमेंट में लगभग पूरा तैयार हो चुका है, केवल उसे शुरू करने की देर है ताकि जो है लोगों को अच्छा उपचार मिल सके। प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो क्या नाम मारामारी है, जो लूट है, उससे बच सके। अगर वो शुरू हो जाएगा तो शहर की जनता को, गरीब जनता को जो है आराम मिलेगा, उसकी मांग करी हम लोगों ने। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।